लवकुश का जन्म हुआ या नहीं, लवकुश और राम का युद्ध हुआ या नहीं, वाल्मीकि में है। तो बाकी शंभु रामायण अलग कहानी कहती है, तमिल की राम कथा अलग है। तो वो राम जो है वो एक नहीं है, सौ है, बहुत बदली हुई कहानी है। लोगों के शूद्र के राम अपने अलग है, ब्राह्मण के राम अपने अलग है, तो इसलिए राम तो कोई एक नहीं है। और वो राम हिस्टोरिकल है कि नहीं, आज तक हिस्ट्री कौन नहीं कर सकते। लिखा तो उत्तर राम से लिखा है, पहले छोड़ दिया। तो अपने अपने राम हैं, और उसी तरह से जैसे ईश्वर का कोई एक रूप तो है नहीं, हर मजहब में ईश्वर का अपना अपना तस्वीर है। इस्लाम में तो खुदा का एक रूप है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कुरान शरीफ में दिया गया है, उसको कोई वेरिएशन नहीं। लेकिन खुदा को जो करना हो, लेकिन इस्लाम में आप पैगंबर के बारे में नहीं कह सकते, गंगा वेजिटेशन आपको नहीं, गॉड के बारे में। तो ये तो हिंदू धर्म है जो बहुलतावादी है दादा, एक ईश्वर के खिलाफ जितना कहना हो कहिए आप, लेकिन उनके जो हीरो हैं उनके बारे में आप नहीं कह सकते। जम्मू में रघुनाथ में 33 करोड़ लगे पूरे, तो पिछले साल गया था, तो जो अनुभव मैंने वहाँ पे अर्जित किया और देखा, जो कुछ भी वो बता रहा था कि वहाँ पे, मतलब बाकी जगह पे आप दान में देते हैं, दान पेटी बनी होती है, वहाँ पे ऐसा नहीं, बड़े बड़े थाल रखे हुए हैं और उसमें 1000 के नोट, 500 के नोट, 100 के नोट भी नहीं दिखेंगे। तो हमें बड़ी शर्म आ रही थी कि हम क्या दें, मतलब वहाँ पे, फिर भी हिम्मत करके हमने 100 रुपये चढ़ाए। फिर आगे गए तो हर जगह बड़े बड़े थाल रखे हुए हैं, तो मतलब डर लगने लगा आप किस मंदिर में जाएं और कितने पैसे चढ़ा। तो बाद में ये स्थिति हो गई, मैं था, मेरी पत्नी और छोटा सा बच्चा, तो सबको ये लगने लगा मतलब कितने पैसे हम चढ़ाएंगे, 33 करोड़ देवी देवता हैं, और सारे पुजारी पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं कि आइए आइए, यहाँ नहीं आशीर्वाद लेंगे। हनुमान मंदिर में गए, वहां पे हमने 50 रुपये चढ़ाया, तो बोल रहे हैं हनुमान जी से सिर्फ 50 रुपये। फिर उधर दुर्गा माँ की प्रतिमा थी, तो वो बोल रहे हैं कि दुर्गा माँ के आशीर्वाद नहीं लेंगे। मैंने कहा नहीं। वहां से आने के बाद लगभग साल दो साल जो पहले गया था, दिमाग में ये चीजें चलती रही। फिर अभी उस पर एक कहानी लिखी थी, 33 करोड़ लुटेरे देवता। तो मतलब वो अंदर ही अंदर बन गया कि मतलब वाकई में डर लगने लगा कि नहीं, सारी ये तो लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स भी आए थे। बल्कि एक बार हमने ये भी लिखा था, कब मरेंगे पो, जो कथा देश ने प्रकाशित करके उस पर पुरस्कार भी दिया था। तो उसमें ये था कि पोप जॉन पॉल द्वितीय जो है वो बहुत बीमार थे, और मतलब अब या तब वाली कभी खुदा देखा। हकीकत तो ये दोस्तों के लेखक वही होता है, राइटर वही होता है, जिस तरफ उसका दिमाग चल जाए वो वही का हो जाता है। कभी तो लव स्टोरी बना के लिख देता है, और कभी वो एक खतरनाक कहानी लिख डालता है। लेकिन इस बार लेखक ने न तो कोई लव स्टोरी लिखी है और ना ही कोई खतरनाक कहानी लिखी है। इस बार आज थर्ड डे ऑफ द फोर्थ ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल 2011 नोएडा, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस वक्त हमारे बीच में देश ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना एक नया मकाम बनाने वाले, एक नई ऊंचाई को छूने वाले हमारे बीच में डॉक्टर नामवर सिंह मौजूद हैं। नामवर सिंह जी के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि फूलों का गुलदस्ता देकर नामवर सिंह जी को फूलों का मान बढ़ देखा ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा स्मार्ट, उससे भी ज्यादा हैंडसम मेरे बीच में तेजेंद्र लुथरा जी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हल्का सा इधर उधर ले जाऊं। राजेंद्र लूथरा जी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, दिल्ली पुलिस में आप जॉइंट कमिश्नर हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि इन्होंने उन तमाम प्रथाओं को गलत सिद्ध कर दिया
कि पुलिस वाले बड़े कठोर होते हैं। राजेंद्र लूथरा जी खुद कवि हैं, लिखते हैं और आज इस किताब के विमोचन पर खुद मौजूद हैं, यह इस बात का प्रतीक है। राजेंद्र जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में एक और बड़े जबरदस्त हिंदुस्तान के कवि यहां मौजूद हैं। रंजन जायदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। जी हां, इसी वक्त चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक जी के लिए एक बार जोरदार ताली। जी हां, किताब तब तक मंच पर नहीं पहुंचती है जब तक कि उसको कोई पहुंचाने वाला ना हो। किताब लिखना शायद आज की तारीख में आसान हो सकता है, जिस तरह पिछले सेमिनार के अंदर हम लोग बात करते रहे कि आज की डेट में फिल्म बनाना आसान है, लेकिन फिल्म को रिलीज करना उससे कई ज्यादा मुश्किल। शायद यही कुछ प्रभाव मीडिया का पंचकमल पब्लिशर प्रकाशन के अशोक महेश्वरी जी के लिए एक बार जोरदार ताली। लेकिन किताब लिखी किसने, ये तो मैंने बताया ही। जी हाँ, जो बचे हैं वही अंदाजा लगा लीजिए। मैंने तो लिखी नहीं, तो मैं बता देता आपको पूरी तरह। तो किताब लिखी है हमारे बीच में बैठे हरीश परमाल साहब ने। हरीश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं हमारे आए हुए सभी मेहमानों का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने फोर्थ ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को अपना मंच चुना और इस मंच की इस मौके पर यहाँ पर आए। और आप सभी दोस्तों को भी शुक्रिया कि ये किताब मैंने लिखी नहीं है, बल्कि मुझसे लिखवाई गई है। पिछले 9-10 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। पहले जी न्यूज़ में था, स्टार न्यूज़ में भी रहा और उसके बाद IGN 7 में आया। तो पिछले 10 साल में जो कुछ मैंने सीखा काम करने के दौरान, वही चीज़ें लिखी हैं। कहीं ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कोर्स की किताबों में हो। मैंने पढ़ाई भी की जामिया मिलिया इस्लामिया से, दिल्ली विश्वविद्यालय से। आपको मीडिया पर, मीडिया की भाषा पर ऐसी कोई किताब नहीं मिलेगी जिससे आपको कोई व्यवहारिक ज्ञान हो सके। आप आज तक जाते हैं, स्टार न्यूज़ जाएंगे, कोई भी न्यूज़ चैनल चले जाएंगे, आपकी पढ़ाई में वो चीज़ें मिलेंगी ही नहीं। और आप यकीन मानिए, जब पहली बार मैं स्टार न्यूज़ में काम करने के लिए गया, तो जब मैंने स्क्रिप्ट लिखी तो वहाँ मैंने एक शब्द द्वारा इस्तेमाल किया था, तो जो चेक करने वाले थे उन्होंने देखा कि अरे ये क्या है, टेलीविज़न में द्वारा शब्द इस्तेमाल नहीं होता यहाँ पे बड़े दिग्गज टेलीविजन में। पता नहीं कुछ लोगों ने मना कर रखा है, निर्णय नहीं फैसला लिखते हैं। तो वो चीज़ें मैं लिखता चला गया। वही चीज़ें जब पिछले 9-10 साल में जमा होती गई और उसके बाद वो एक किताब। बेसिकली ये है कि अगर आप इसे एक बार पढ़ लें तो आप टेलीविजन न्यूज चैनलों की दुनिया से कम अनजान नहीं रहेंगे। आप कुछ भी पढ़ाई कर लें उसका पता चल जाएगा, आप आएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये दुनिया अनजानी से है। तो किताब यही है, किताब बिल्कुल व्यवहारिक है। अब तक कहीं नहीं ऐसी चीज़ें मुझे मिली और उन चीज़ों को इस किताब में मैंने समेटने की कोशिश की है। धन्यवाद कि मुझे बहुत मौका दिया संदीप जी ने, और क्योंकि ये मंच बहुत बड़ा है और नामवर जी खुद भी हैं, तमाम हमारे गेस्ट हैं और आप लोग भी हैं, तो इसकी खूबसूरती ये है कि इस जगह पर मुझे विमोचन करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद। जब लेखक पहली बार किताब लिखता है तो उसका दिल धड़कता रहता है, जब किताब पूरी हो जाती है। जी आप सच कह रहे हैं, आप भी धड़क रहे हैं। मुझे यहां तक सुनाई दे रहा है। जब किताब लिख के कंप्लीट हो जाती है और उसे कोई छापने वाला जब नहीं मिल रहा होता है तब दिल धड़कता है। जब किताब छप के बाहर आती है तो पहली प्रतिलिपि जब अपने हाथ में रखता है तब दिल धड़कता है, और जब किताब का विमोचन हो रहा होता है, आपने ठीक कहा कि तब भी दिल धड़कता है। ये एक एक कदम करके आदमी आगे बढ़ता है। जब एक दफा किताब लिखकर विमोचन हो जाती है तो वहीं से श्रद्धा पैदा होती है, जोश पैदा होता है, लगन पैदा होती है और राइटर फिर तैयार हो जाता है युद्ध लड़ने के लिए कि अब मैं फिर से एक किताब और लिखूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि इनके दिमाग में अगली किताब लिखने का विचार शुरू हो चुका होगा। Am I right? सही कह रहे हैं।
खुले हैं खिड़कियां हर घर की, लेकिन गली में झांकता कोई नहीं है। मैं ऐसे जमघटों में खो गया हूं, मुझे पहचानता कोई नहीं है। चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकूं तो रास्ता कोई नहीं है। हर मौके पे, हर जगह पे और कला के हर क्षेत्र में जो लोग भी जुड़ना चाहता है उसकी बेइंतहा मदद करेंगे। तो मैं कोई नया काम नहीं कर रहा, कोई मैं बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। मैं हमारे बीच में आए हुए डॉक्टर नामवर सिंह, हमारे दिल्ली प्रदेश के IPS सीनियर IPS ऑफिसर हिंदुस्तान की और दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर राजेंद्र लूथरा जी से निवेदन कर रहा हूँ और सभी गेस्टों से निवेदन कर रहा हूँ कि तय दिल से इस किताब का विमोचन कर दिया। एक भाषा वो है जिसे आप रोज सुनते हैं, एक भाषा आपने, एक भाषा आपने फिल्म की सुन ली। दोस्तों तैयार हो जाइए इस नई किताब को पढ़ने के लिए जिसमें टेलीविजन की भाषा दी गई है। 500 से भी ज्यादा चैनल इस वक्त हिंदुस्तान में चल रहे हैं और 60 चैनल और सैंक्शन हुए हैं थैंक्स टू मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। INB की कई कमेटी में मैं मेंबरान हूं और जो इन्फॉर्मेशन आम जनता तक नहीं पहुंची होती वो एक महीना पहले कम से कम मुझे मिल जाती और 60 चैनल और आने वाले हैं। आप ये तैयार हो जाइए। और शायद यही वजह है क्योंकि जब हम लोगों ने ये इंस्टीट्यूशन शुरू किया था तो सिर्फ दो चैनल थे, DD1 और DD2। और जब पहली क्लास में लेना था तो मैंने बड़े दावे से क्लास में बोला कि दोस्तों तैयार हो जाओ, आप सबको काम मिलेगा क्योंकि हिंदुस्तान में 15-20 चैनल तो हो ही जाएंगे। तो सारे क्लास के बच्चे हंसे के देखो यार पहले दिन ही बेवकूफ बना रहे। सिर्फ नंबर बदलता गया हर बैच के साथ। इस 72वें बैच की ओपनिंग के ऊपर मैंने, जो शायद स्टूडेंट यहां भी मौजूद होंगे, मैंने कहा दोस्तों तैयार हो जाओ, 500 से भी ज्यादा चैनल होंगे। आज मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 560 चैनल हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त चलने वाले हैं। इतना काम होने वाला है और यह भी शुरुआत है। चंद महीनों और चंद सालों के अंदर यह हाल हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर कि हर शहर का अपना चैनल होगा, हर शहर का अपना चैनल होगा। नेशनल चैनल तो 3 करीब 27-28 ऐसे चैनल हैं, न्यूज चैनल, जो आपस में लड़ मर रहे हैं, जिन्हें TRP का चक्कर रहता है सुबह से लेकर शाम तक के खंबे के नीचे मरते हुए आदमी से भी पूछना पड़ता है कि भाई साहब कैसा लगा। तो शायद इस भाषा का तो इस्तेमाल नहीं किया गया होगा इस किताब के अंदर। मैं निवेदन करूंगा मंच पे बैठे सभी लोगों से कि वो अपने आशीर्वाद वचन देंगे। मैं सबसे पहले अशोक महेश्वरी से निवेदन करूंगा कि वो चंद शब्द। प्रयोग की जाने वाली भाषा के 2 उदाहरणों से कर रहा हूं। पहला है रामलीलाओं की धूम के बीच NB मुकाबला इतना कड़ा था कि डार्थ रेस्ट जोन से श्री रामलखन धार्मिक सभा और श्री रामलीला कमेटी पीतमपुरा को ज्वाइंट विनर बनना पड़ा। एंट्री करने वाली लीलाओं की वीडियोग्राफी के बाद कुल 21 लीलाओं को शॉर्ट लिस्ट किया गया। जो सबसे ज्यादा मार्क्स ले गए वे बन गए सिकंदर। नॉर्थ जोन करना चाहेगा ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी और नेहरू ग्राम भारती के BTech कोर्स स्टूडेंट्स ने। फ्रेशर फंक्शन में जूनियर्स और सीनियर्स ने मिलकर खूब धमाल मचाया।
IRIT स्टूडेंट्स ने जहां इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में पार्टी ऑर्गेनाइज की, वहीं नेहरू और टीवी में बोले जाने वाली भाषा के कुछ उदाहरण हैं। आजकल घरों में माएँ कहती हैं मिल्क ड्रिंक करो, लेकिन क्या ऐसे ही हम भाषा को टेलीविजन या अखबार में परोस सकते हैं? क्या वहाँ भाषा का एक मानक और औपचारिक रूप नहीं होना चाहिए? क्या यह वांछनीय है कि दैनिक व्यवहार में काम चलाऊ भाषा का जो रूप बनता है उसे हम टीवी और अखबारों में स्थापित करते चले? इस किताब में यही बताया गया है, समझाया और सिखाया गया है, साथ में और भी काफी कुछ। हम 50 करोड़ बोलते हैं, लिखते हैं, क्यों? क्या हम 5 खरब नहीं बोल सकते? यह सरल भी है, छोटा भी। एक बार मेरे एक मित्र हॉलैंड से आए हुए थे, बात संख्या पर चल पड़ी। वे बोले सीधे बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन क्यों नहीं? मैंने कहा हमारे यहाँ पैसा सदियों से बहुत है, अब अमीर का हिसाब रखना आसान होता है, बात से इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं आता तो सीखना चाहिए। न आने पर सीखना समझदारी है, न कि न सीख पाने पर ठीक को ही कोसते रहना और नकार देना। हमारे यहाँ संख्याएं अरब खरब पद्म शंख और आगे तक जाती हैं, बिलियन ट्रिलियन पर खत्म नहीं होती। इसी तरह आनंद का अपना आनंद है, इसे खुशी से नहीं आंका जा सकता। दंड तो दंड है, सजा से इसकी बराबरी नहीं हो सकती। क्या आनंद और दंड कोई समझता नहीं? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ऐसे ऐसे शब्द और शब्द समूह आम बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं जिनकी हम दिल्ली में बैठकर कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार के गांव में रिक्शे वालों की बातचीत की हिंदी भी शहरों के बहुतेरे पढ़े लिखों की हिंदी से बेहतर है। क्या ये टीवी के दर्शक नहीं है? ये परिवार समझते हैं, फैमिली, आप उन्हें जबरदस्ती सुना रहे हैं। न जानने का कसूर शहरी पढ़े लिखों का है, न कि उन दर्शकों का जो पिछड़े छोटे इलाकों में रहते हैं और भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। हम ज्ञानी से अज्ञानी सा व्यवहार कर रहे हैं और अज्ञानी से ज्ञानी जैसा। यहाँ आ जाते हैं राजा हृदय राखी कौशलपुर राजा, इसका अंग्रेजी अनुवाद नेताजी करते हैं। इंटर द सिटी डू एवरीथिंग हार्ड पुटिंग कौशलपुर किंगा। क्या हमारे जनसंचार माध्यम भाषा की विकृति को इस हास्यास्पद हद तक ले जाना चाहते हैं? साथियों, हम सभी को इस दिशा में सोचना है, दृश्य को सुधारना है, हो रही दुर्दशा से उबरना है। हमारी यह किताब टेलीविजन की भाषा यही बताती है, यही सिखाती भी है। यह टेलीविजन के विद्यार्थियों, इस माध्यम में काम करने वालों के लिए पाठ्य पुस्तक है, व्यवहारिक निर्देशिका है। यह किताब टेलीविजन कर्मियों के लिए व्याकरण भी है, शब्दकोश भी है, गाइड भी है। इसे पढ़िए, समझिए, सबको पढ़ने का सुझाव दीजिए। आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत, ढेर सारा आभार, भरपूर धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इस आस्था के साथ कि हरीश बरनवाल की यह किताब आप पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और इस्तेमाल करेंगे, धन्यवाद। संदीप मरवा जी खुद बहुत खूबसूरत आदमी हैं और जब खूबसूरती की बात करते हैं तो अच्छा लगता है। आदरणीय नामवर जी, जो सचमुच अपने आप में एक युग हैं साहित्य के, और जिनको पढ़ करके हम यहाँ तक कितना संघर्ष किया होगा। शब्दों पर बहुत जबरदस्त किस्म का जोर दिया जाता था, परिवार में भी, पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से भी, और जहाँ जिस इंस्टीट्यूशन को लेकर के एक खास किस्म की जिज्ञासा है, आखिर ये शब्द आया कहाँ से। आज भी ये ख्वाहिश पत्रकारिता के लिए कोशिश होती है कि ये शब्द आया कहाँ से। था कल्लू रंजन के ये अगर सेंटेंस की जगह पर कोई और सेंटेंस लगा दो तो कितना अच्छा लगता था कि वहाँ पर शब्द बदल जाते। यही हाल जब रेडियो में नाटक लिखते थे तो वहाँ पर भी हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि भाई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो जो आम लोगों को समझ सके। ये ओम गुप्ता जी तो बहुत अनुभवी और ज़बरदस्त पत्रकारिता के क्षेत्र में एक अच्छा सा नाम है। पीढ़ी
यहाँ पर माननीय डॉक्टर साहब मौजूद हैं, गुरुदेव नामवर जी के, जिनकी लिखे हुए को जिनके जिन्होंने लिखा उसको पढ़ करके हम लोग एक सेंसेशन महसूस करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब मैं पहले जानता ही नहीं था, जब हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। कबीर की हैसियत है, कबीर की एक ऐसा कोलाज, एक ऐसा कैनवास सामने आया, यह कहानी के ऊपर लिए बहुत जरूरी है। भाषा और बोली में शायद यही फर्क है कि भाषा जो है वो नहर है और बोली नदी है, तो इसका फर्क हमें महसूस करना ही होगा। जहां अनुशासन ये जो है मीडिया में हम जाना चाहते हैं, मैंने क्यों जाना चाहती हूँ, उसने कहा, उस लड़की ने कहा मैं इसलिए जाना चाहती हूँ ताकि मैं दिखाई दूँ, एक ग्लैमर होता है, मतलब उसमें मैं न्यूज़ रीडर बनना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अजीब गरीब है। तो इस कहने का मतलब ये है कि राहत की भी एक किताब आई है, इसी मीडिया से रिलेटेड कुछ लोग अब लिखने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ओम गुप्ता जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो सचमुच मीडिया में इतने साल रहे हैं, वो भी किताब लिखें इसके ऊपर, बहुत अच्छा, नई पीढ़ी को के लिए ज़रूरी है, हम लोग सब कोशिश करें।